क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये बहुत बड़ी फतह थी, इसलिए कि ज्यादा रन नहीं थे, उनको डिफेंड करना था और क्या खूबी से डिफेंड किया, इसलिए कि कराची किंग्स ने, ऐसा नहीं था कि कोई लास्ट विकेट तक बात कहानी पहुंच गई थी, 5 विकेटें गिरी हुई थी मगर इतनी सख्त नहीं थी। देखिए कराची किंग्स को बहुत प्रॉब्लम्स है, एक तो जब आप नेगेटिव स्पाइरल में ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर इसमें वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी फ्रेंचाइज हो। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है जबकि इस फ्रेंचाइज को भी सोचना है कि जो लोग इस टीम को इर्द गिर्द हैं, रन करते हैं, इसका जो एक फ्रेमवर्क है या इसके जो मैकेनिक्स हैं वो किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं, क्योंकि फैंस जो हैं वो नाखुश हैं, फैंस जो हैं वो बददिल हो गए, और ये एक पीएसएल के मॉडल को ऑलमोस्ट जो है ठेस लगती है जब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज 3 में से 3 मैच हार जाए। और फिर ये सिलसिला अभी का नहीं है, बहुत देर से ये चल रहा है, सो वेकअप कॉल इससे ज्यादा तो मिलने वाली है नहीं है। सो या तो आपको प्लेयर्स को और ठीक करना है या फिर इसके मैकेनिक्स बदलने हैं या आपको कोचिंग स्टाफ कोई और लेके आना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फैंस इसके लिए तैयार नहीं है, ना ये पीएसएल का सिस्टम तैयार है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड की ये क्रिकेट होती है और वैसे ही 6 टीमें हैं। सो एक या दो टीम्स जब पहले ही परफॉर्मेंस ना दिखाए और बाहर हो जाए कंपटीशन से तो ये मामला बड़ा ठंडा हो जाता है, फिर आपको पता चल जाता है कि टॉप 4 कौन सी होंगी। सो थोड़ा सा मुकाबला और करने की जरूरत है, अगर 190 नहीं होता है तो माना जा सकता है, मगर 170 रन ना हो ये कैसे हो सकता है, कराची में आप खेल रहे हैं और फिर जब आप 23 रन पे 4 विकेटें गिरा दें तो उसके बाद तो बिल्कुल पैडल से फुट ऑफ नहीं करना चाहिए ना, वहां पे आपको सारी ऑप्शंस आजमानी है ऑल आउट करने के लिए। मगर टाई जो थे वो बहुत ही एक जेनरस मूड में लग रहा था, जैसे बॉलिंग कर रहे हैं गप्टिल को ऐसे लग रहा था कि कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनको चौके छक्कों की। मैंने इस तरह की खराब ओवर या खराब परफॉर्मेंस बगैर उसमें दिल लगाए हुए कभी नहीं देखी है, ऐसे था जैसे कि गप्टिल को वो चाह रहे थे कि वो फॉर्म में आ जाएं, और गप्टिल ने लपेटे में जब ले लिया उन्होंने तो फिर सीधा सेंचुरी कर दी। सो बॉलिंग जो थी वो बहुत पैची थी, 2-3 ने अच्छी बॉलिंग की मगर उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट आप देख लें कि चले 170 भी अगर आप लगा लें इस बैटिंग पिच पे ज्यादा नहीं था, मगर उसके बाद बैटिंग कलैप्स, और ये बैटिंग कलैप्स होना नहीं चाहिए था। शुएब मलिक ने इनिंग्स खेली, अच्छी खेली, मगर जब आप ओवर द लाइन ना टीम को लेके जाए तो वो फिर इनिंग्स का मजा नहीं आता है। सो जैसे मैंने कहा ना, इन पैचेस ठीक है बट ये बहुत बड़ी फतह है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि उनको क्रेडिट देना है, एक छोटा स्कोर उन्होंने डिफेंड किया है, ऑफ द मार्क हुए हैं, पहला मैच जीते हैं, बड़ा मैच था ये, इसलिए कि कराची में कराची को आसान काम नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास प्लान था, एनर्जी दिखी, हार्ट एंड सोल परफॉर्मेंस में डाला, और फिर नसीम शाह और हसनैन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की प्रेशर में आके, इसी तरह से जो बैटिंग थी उसमें गप्टिल का साथ निभाया बिल्कुल इफ्तिखार ने, और उनको क्रेडिट भी दिया उन्होंने क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप की जरूरत थी। और जब आप ऐसी सिचुएशन से 23 पे 4 से 170 कर लेते हैं तो फिर आपके हौसला जज्बा बढ़ जाता है, फिर कहते हैं हम किसी भी सिचुएशन से अब निबट लेंगे, और यही हुआ एग्जैक्टली। सो बॉलिंग अच्छी थी, कैप्टनसी अच्छी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और बहुत बड़ा मुकाबला जीते हैं। आई थिंक इससे आगे चल के इनको बहुत हौसला मिलेगा, क्योंकि रिकॉल मोमेंट्स में हमेशा ये जो विक्ट्री है ये वो याद रखेंगे और इससे प्रोपेल होंगे। ओवरऑल कराची किंग्स को बहुत कुछ करने की अब जरूरत है, जितने मैच अभी रह गए उनके कराची में वो जीतने की कोशिश करें वो, और मैदान ऐसे खाली मत छोड़ें दूसरों के लिए कि सारे ही जो है वो पहले से पता उनको चल जाए कि जी कराची जीतने वाली नहीं है, ये फैंस के साथ ज्यादती है बहुत ज्यादा। तो चलते हैं अब बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे क्लियरली मार्टिन गप्टिल, एक तो फॉर्म में आए और यहाँ पे ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में वो रन नहीं करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इन स्लो पिचेस के ऊपर, मगर वो क्या कहने टाइक है कि उन्होंने ऐसा उनका एंड पकाया, ऐसा उनको एक प्लेटफॉर्म सजा के दिया एक बेकार सी बेतुकी सी बॉलिंग परफॉर्मेंस से, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो टोटली फिट भी नहीं थे। फिर उनको एक तरह से वो प्लेटफॉर्म सजा और फिर उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा, बहुत आला हिटिंग की अंडर प्रेशर, बहुत बड़ी ये सेंचुरी है, और फिर टीम को जिताना, और जिस सिचुएशन से मेंटली टेम्परमेंटली स्ट्रांग दिखे वो, 23 पे 4 5 विकेटें 90 पे गिर गई, उसके बाद पार्टनरशिप इफ्तिखार के साथ एंड तक खेलते रहे, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ये, और जिससे कि
हौसले इनके भी बुलंद होंगे, क्योंकि ऐसी जो आप परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर आप एक तरह से अपने आप को इनविंसिबल समझना शुरू हो जाते हैं, और ये बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है। सो प्ले ऑफ द डे, बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरे हिसाब से मार्टिन गप्टिल।